अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपको मिलेगा लाइटनिंग इफेक्ट्स ओवरले जो कि PNG और JPEG में मौजूद हैं और बहुत ही हाई डेफिनेशन में हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे आ जाएंगे 50 फाइल्स हैं यहाँ पे, और एक का मैं रेजोल्यूशन दिखा दूँ 5000x5000 2.17 MB की ये फाइल है एक। और यहाँ पे आ जाएं तो ये जो है वो JPG फाइल है, यहाँ पे भी इसका भी रेजोल्यूशन इतना ही है 5000x5000 1.28 MB प्लस नियर 1 MB की फाइल है ये, 900+ MB की। यहाँ पे आ जाएं जैसे, अच्छा इनको यूज़ कैसे करते हैं। PNG जो है ये आजकल जो मोबाइल्स ऐप है वहाँ पे भी यूज़ हो रही है काफ़ी जगह पे, और JPG भी यूज़ हो रही है। अगर आपने जस्ट यहाँ पे कोई राइटिंग करनी हो तो कर दें फ़ोन पे, अगर फोटोशॉप में आ जाएं तो आप दोनों से काफ़ी बेटर काम कर ले सकते हैं, कर भी सकते हैं इसे। स्टार्ट कर दूँ मैं यहाँ पे, और ये तो डिफरेंट जो है लाइटनिंग इफेक्ट है और बहुत ही हाई डेफिनेशन में है। तो मैं यहाँ पे एक ड्रैग कर लेता हूँ, मैं इसी को ही पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, यहाँ पे आ जाएं, और कुछ स्टॉक फोटोज़ पड़े हुए हैं मैं, और जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा इंटरनेट पे। यहाँ पे ये क्रिश्चियन जो रिलीजन है इसके रिलेटेड हैं, फर्स्ट मैं इनको दिखा ही दूँ, और ये बहुत ही हाई डेफिनेशन में है। यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हैं बहुत ही हाई डेफिनेशन में। So I will try to upload soon. यहाँ पे जो है वो फाइल को कुछ न कुछ फर्क पड़ा है, बट हाई डेफिनेशन में है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इनको, यहाँ पे आ जाएं। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस फाइल को मैंने ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट एल कर लेता हूँ, थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, ऑटो लेवलिंग करता है इससे, और रेजोल्यूशन भी जो है वो आई है। सो मैं यहाँ इसको जस्ट ड्रैग करूँगा, इसके भी रेजोल्यूशन जो हैं वो भी 5000 है, और इसके 5000 प्लस है, मतलब ये फाइल पड़ी है इससे भी। ड्रैग किया मैंने सिंपल, यहाँ पे सिंपल अगर आप देखें तो ये फाइल थोड़ी बड़ी भी है, और ये इसके साथ जो ब्लू शेडो है उसका भी जो है वो हाईलाइट कर रही है उसको भी। यहाँ पे आ जाएं तो इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट की मदद से रोटेट कर देता हूँ ऐसे, और थोड़ा सा छोटा कर यहाँ पे, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इसके साथ ही यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो इनका जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट जो है वो पिक्स आ जाएगी। अगर जूम करें तो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी ये लाइटनिंग, तो इससे हम सिंपल इससे रिमूवर से एरिया को रिमूव कर देंगे यहाँ पे। इस लेयर पे सेलेक्ट किया मैंने, आप जितना डीप जाओ इतना आप बेटर कर सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएं तो ऑपेसिटी का ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा डाउन कर दें तो ये ऐसे पता चलेगा कि ये लाइटनिंग जो है वो क्लाउड में से आके उस क्लाउड में से शो हो रही है, क्लाउड्स बादल यहाँ पे। मज़ीद डीप जाएं तो वो आप बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरी लाइटिंग का ही इफेक्ट दे देता हूँ, सिंपली लाइट कर लें आप लाइटिंग, इसको ही मैं फोटोशॉप में ले जाता हूँ यहाँ पे ड्रैग करता हूँ इसी में, यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ऐसे। ओके, इनका साइज जो है वो मैं कम कर देता हूँ ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट जो ये हो गई ब्लैक, और जो जस्ट वाइट हमें नज़र आ रही है, जो ब्लू शेडो था वो हो गया ख़त्म,
यहाँ पे भी ठीक है, और इसकी ऑपेसिटी आप जो डाउन करना चाहो तो वो भी ठीक है यहाँ पे ऐसे। सो मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ और हम किसी दूसरी फाइल पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाए इसी फाइल को मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पे जेपीजी फाइल को। जेपीजी को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसी पिक्स को मैं अगेन जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ही पेस्ट किया ओके। और यहाँ पे आ जाए नॉर्मल पे, सॉफ्ट लाइट भी है, स्क्रीन लाइट भी है, लाइटनिंग भी है, सो आप जिस पे भी क्लिक करें। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन पे, स्क्रीन बेटर रहेगा, और इससे जो ब्लैक बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया यहाँ पे, और वही ऑप्शन हम पहले की तरफ कंट्रोल शिफ्ट यू, ये ब्लैक एंड वाइट होगी। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, या इसका तो रोटेट कर देता हूँ ऐसे, इंटर ऑपोसिटी इसकी जो थोड़ी सी टोन कर देता हूँ ओके। और कुछ जो शेडो है इसका वो यहाँ पे भी पड़ रहा है यहाँ पे ऐसे, जितना डीप जाओ आप इतना बेटर कर सकते हैं। सिंपली जेपीजी को फाइल को ओपन करना है राइट क्लिक पे, यहाँ पे क्लिक करके उसको स्क्रीन पे करना है। अगर आपके पास कोई और पिक्चर है तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट ओवरले पे करके भी आप देख लें, जहाँ पे आपको बेटर लगेगा रहेगा वहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर लें, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीन पे करें तो बेटर है, क्योंकि बैकग्राउंड के कलर के रिलेटेड जो है आपको पिक करना होता है। लास्ट पे आ जाएं हम, एक फाइल को ही मैं कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे ही मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, इसका जो वाइट जो शेडो है वो ख़त्म हो गया। और अब आ जाएं लाइटनिंग वाली, क्लाउड वाली मुझे अब कोई पिक्चर नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पे ही इसको ऐसे ही ट्रैक कर देता हूँ ऐसे। और इसका कलर आप चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, सॉरी वो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ब्लैक एंड वाइट इस पर अप्लाई किया हुआ है, इस पर कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, सॉरी अप्लाई हो जाएगा, रेंडर जो होते भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये आप एज ए वेन भी यूज़ कर सकते हैं ब्लड के लिए, तो एंड को जितना आप डीप चाहो इतना आप कर सकते हो। आई होप कि ये डेटा आपको अच्छा लगा होगा, काइंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।